नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक और बार यहाँ पे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है न्यूजीलैंड के सामने। एक और बार न्यूजीलैंड ने यहाँ पे इतिहास दोहरा दिया है आज के मैच में, और इंडिया को एक बहुत करारी हार का एक और बार सामना करना पड़ा है। पिछला मैच यहाँ पे पाकिस्तान से 10 विकेट से हारी थी, और आज एक और बार यहाँ पे ये मैच हारी है 8 विकेट से। यहाँ पे आज का मैच में यहाँ पे कह सकते हैं कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी यहाँ पे करनी पड़ी थी। टॉस जीत के पहले यहाँ पे न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, और उसके बाद पूरी की पूरी टीम इंडिया की यहाँ पे 110 रन बना पाई 20 ओवर में 7 विकेट खोकर, जिसमें आज बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले थे। ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर को आज के मैच में यहाँ पे टीम में शामिल करा गया था। भुवनेश्वर कुमार और सूर्य कुमार यादव को आज विराट कोहली ने बैठाया था, उनकी जगह पे ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर का आज कमबैक हुआ था टीम में। लेकिन उनके कमबैक से भी टीम की नैया यहाँ पे पार नहीं लग पाई, और पूरी की पूरी टीम इंडिया की 110 रन यहाँ पे 20 ओवरों में बना पाई, और न्यूजीलैंड ने एक और बार इतिहास यहाँ पे दोहराया। और जिससे हमने देखा था 2016 का वो मैच में याद आता है, जब इंडिया में मैच था उसमें यहाँ पे 79 रन पे ऑल आउट हो गई थी पूरी इंडिया की टीम, और वो मैच इंडिया में हो रहा था। वैसे हमें कुछ आज सिमिलर हमें देखने को मिला। आज ईच सोडी ने विकेट लिए, आज मिलने ने विकेट लिए, आज कह सकते हैं बोल्ट ने 3 विकेट चटकाए। तो इन सब ने यहाँ पे इंडिया को 110 रन पे अटेड दिया और 110 ही रन बनाने दिए। पहले टॉस जीत के तो पहले आधी बाजी तो वहीं यहाँ पे केन विलियम्सन ने जीत ली थी, लेकिन उसके बाद जो हमारे बल्लेबाज थे उन्होंने इस फैसले को सही ठहराया। जो आज ओपनिंग करने आए थे वो आए थे केएल राहुल और ईशान किशन। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हमें आज देखने को मिला था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हमें एक अच्छी शुरुआत नहीं दे पाया। ईशान किशन ने एक चौका जरूर मारा, लेकिन वो ट्रेंट बोल्ट गेंद में कैच थमा बैठे थे। यहाँ पे डेरी मिचेल को लेग साइड की ओर फ्लिक करके छक्का पाने के चक्कर में कैच थमा बैठे यहाँ पे, और सिर्फ 8 गेंदों में 4 रन बनाए, और एक कह सकते हैं अच्छी शुरुआत देने में नाकामयाब रहे ईशान किशन। एक चौका उन्होंने मारा था। वहीं केएल राहुल ने यहाँ पे 16 गेंदों का सामना करा, 18 रन बनाए जिनमें 3 चौके शामिल थे, लेकिन उन्होंने भी अपना कैच थमाया। यहाँ पे एक शानदार पुल शॉट जरूर मारना चाहते थे, गेंद को छक्का बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाना चाहते थे, कि थोड़ा रनों की गति को बढ़ाना चाहते थे पावर प्ले में, क्योंकि राहुल और रोहित शर्मा बहुत अच्छा वहाँ पे खेल रहे थे, एक अच्छी पारी बन चुकी थी थोड़ी बहुत छोटी सी, लेकिन उस साझेदारी को तोड़ा यहाँ पे साउदी ने, और एक राहुल का अच्छा सा कैच यहाँ पे थमाया डेरी मिचेल को। डेरी मिचेल का दूसरा कैच था, दोनों ओपनर यहाँ पे कैच करते। डेरी मिचेल ने 16 गेंदों में 18 रन बनाए यहाँ पे राहुल ने, और वहीं रोहित शर्मा की बात करी जाए, आज पहली बार वन डाउन यहाँ पे उनको उतारा गया था। वन डाउन इसलिए उतारा गया था क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में केएल राहुल ईशान किशन को ओपनिंग में उतारा गया था, लेकिन उसी के बाद रोहित शर्मा आते उन्होंने 14 गेंदों में 14 रन मारे। एक ओवर में उन्होंने एक छक्का एक चौका मारा एडम मिलने के लास्ट ओवर में, हमने देखा था 5वें ओवर की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना कैच थमा बैठा यहाँ पे। ईच सोडी गेंद में शॉर्ट लेंथ डिलीवरी थी, शानदार चौका उसको उठा के लेग साइड की ओर डीप मिड विकेट की ओर पुल करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए और कैच थमा बैठे यहाँ पे सीधे मार्टिन गप्टिल को। यहाँ पर उन्होंने 14 गेंदों में 14 रन बनाए, एक चौका एक छक्का उसमें शामिल था, 100 का उनका स्ट्राइक रेट था, और सबकी नज़रें आज विराट कोहली पे टिकी हुई थी। विराट कोहली आज रन बनाएंगे क्योंकि पिछले मैच में 50 मारी थी, आज के मैच में उम्मीदें बहुत ज़्यादा उनसे थी, लेकिन इतना कुछ कमाल वो करा नहीं पाए। यहाँ पे 17 गेंदों में 9 रन उन्होंने मारे। ईच सोडी ने यहाँ पे विकेट लिया था उनका, एक और बार वो लेग स्पिन में फंसे, वाइट यहाँ पे ऑफ स्टंप गेंद को लपेट के यहाँ पे लेग साइड की ओर मारना चाहते थे छक्का, लेकिन कैच थमा बैठे ट्रेंट बोल्ट को। और वहीं पंत की बात करें, पंत ने पिछली पारी भी संभाली थी और विराट कोहली के साथ एक अच्छी साझेदारी बनी थी इन दोनों बैट्समैनों की, लेकिन आज के मैच में ना कोहली चले ना पंत चले। पंत ने 12 रन बनाए 19 गेंदों खेलते हुए 63 गेंदों में, 63 का उनका स्ट्राइक रेट था। और वहीं हार्दिक पांडे पे आज कह सकते हैं कि 24 गेंदों में 23 रन बनाए, एक चौका जरूर मारा, प्रेशर बहुत क्रिएट हो चुका था लास्ट में क्योंकि विकेट बिल्कुल दर अंतरादर गिरते जा रहे थे, ना कोई हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बिल्कुल भी यहाँ पे चलने को राजी नहीं है, बिल्कुल भी रन नहीं बनाने को राजी है, तो सारा जो प्रेशर था वो लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ गया था। हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा ने एक अच्छी सी पारी यहाँ पे खेली, जिसकी बदौलत हम 100 के पार पहुंच चुके, 110 रन हमने बना पाए। अगर ये दोनों भी नहीं चलते तो शायद हम 100 के नीचे ही अटेड दिए जाते न्यूजीलैंड के बॉलर के द्वारा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 23 रन बनाए 24 गेंदों में खेलते हुए, एक चौका इसमें शामिल था। वहीं रविंद्र जडेजा ने 26 रन बनाए 19 गेंदों खेलते हुए, जिनमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो आज रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे, उन्होंने एक और बार फिनिशिंग टच दिया, लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं, और आज के मैच में उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें क्यों सर जडेजा कहा जाता है। तो जरूर आज के मैच में उन्होंने
एक और बार बहुत अच्छी पारी खेली है, फिनिशिंग टच दिया है। ठाकुर ने यहाँ पे कोई रन नहीं बनाया, उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि जिस तरीके से उन्हें रवि शास्त्री कोचिंग दे रहे थे ऐसा लग रहा था कि फील्ड में जाके चौके छक्के मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं। उन्होंने शानदार जाके कैचिंग प्रैक्टिस कराई यहाँ पे न्यूजीलैंड के फील्डर्स को और कैच थमा के बैठ गया। ट्रेंट बोल्ट का तीसरा शिकार बने थे आज। समी ने कोई भी गेंद यहाँ पे देखने को नहीं मिली। वहीं न्यूजीलैंड की आज अनुशासन भरी गेंदबाजी हमें देखने को मिली, सिर्फ 4 एक्स्ट्राज दिखे थे यहाँ पे आज न्यूजीलैंड की साइड से। टोटल 110 रन बनाए 20 ओवर में, 7 विकेट खोए। और वहीं गेंदबाजी की बात करें तो बोल्ट ने 4 ओवर में 20 रन मारे थे यहाँ पे, 4 ओवर में 20 रन दिए और 3 विकेट हासिल करे। वहीं टीम साउथ ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल करा। सेंट्रल ने 4 ओवर में 15 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं करे। एडम मिलने ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट हासिल करा। वहीं ईच सोडी ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल करे। तो ये था इंडिया का हाल किस तरीके से। फर्स्ट इनिंग हमारी रही, टॉस हम जीत नहीं पाए और हमने एक और बार बल्लेबाजी करने की सोची, लेकिन 110 ही रन बना पाए इस यूए की पिच पे और 7 विकेट से बना पाए 110 रन। और वहीं अगर चेजिंग की बात करें, अगर न्यूजीलैंड की साइड से चेज कितना अच्छा हुआ, वही बल्लेबाज, वही केन विलियमसन, वही यहाँ पे मार्टिन गप्टिल जिन्होंने आज मैच जिताऊ पारी खेली, वही डेरी मिचेल एक नए यहाँ पे बल्लेबाज उभर के आए हैं न्यूजीलैंड की साइड से, उन्होंने यहाँ पे पारी को संभाला। और कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो झटके लगने चाहिए थे वो उन झटकों को रोककर मैं पारी को संभाला और अच्छे तरीके से मैच को अपने पाले में ला गए। जरूर जसप्रीत बुमराह ने बहुत कसी हुई गेंदबाजी करी थी, पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था, लेकिन उस कसी हुई गेंदबाजी में पानी फेरा वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी ने, जिन्होंने आते ही यहाँ पे 2 चौके मारे इसी ओवर। मार्टिन गप्टिल ने उन पर दूसरा ओवर ही वरुण चक्रवर्ती को थमा दिया था विराट कोहली ने, इसके चलते कि वो अच्छी गेंदबाजी कराते हैं केकेआर की साइड से, लेकिन उनके उस डिसीजन पे यहाँ पे पानी फेरा वरुण चक्रवर्ती ने। 4 ओवर कराए, 23 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं करा, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली वरुण चक्रवर्ती के हाथों, क्योंकि रन ही नहीं थे यहाँ पे इतने ज़्यादा, 110 ही रन कुल बनाने थे। उसके बाद अगर आप बात करें ओपनिंग बल्लेबाजी मार्टिन गप्टिल और डेरी मिचेल की, बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत थी यहाँ पे। 20 रन बनाए मार्टिन गप्टिल ने 17 गेंदों में, जिनमें 3 रन धनाधन यहाँ पे चौकिया में देखने को मिले थे। उनका विकेट बुमराह ने लिया, कैच कराया यहाँ पे ठाकुर के हाथों, स्लोवर गेंद कराई और चौका मारने जा रहे थे यहाँ पे मार्टिन, लेकिन कैच थमा बैठे। वहीं डेरी मिचेल की बात करें तो उन्हें शानदार 49 रनों की यहाँ पे पारी खेली, 35 गेंदों उनका सामना करा, 3 छक्के उसमें शामिल थे, 4 चौके उसमें शामिल थे। यहाँ पे शानदार एक मैच जिताऊ पारी, एक कह सकते हैं ऐसे बल्लेबाज उभर के सामने आया जिनको शायद पहले कभी ऐसा खेलते हुए देखा नहीं हमने। तो इस T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेरी मिचेल के पास आई और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। 3 छक्के, 4 चौके मारे, 140 का उनका स्ट्राइक रेट था। उनका विकेट यहाँ पे बुमराह ने लिया, दोनों विकेट आज ओपनिंग बल्लेबाज जो थे बुमराह ने लिए। एक अच्छी बात ये रही कि जो आगे आने वाले मैचेज हैं उनमें अब बुमराह अच्छी गेंदबाजी करेंगे, वो अब लय में आ चुके हैं, कैच कराया उनको राहुल के हाथों यहाँ पे। और नाबाद रहे केन विलियमसन और डिवन कॉनवे यहाँ पे। केन विलियमसन की वो नाबाद पारी कोई नहीं भूल सकता टेस्ट चैंपियनशिप की, जब रॉस टेलर और सामने केन विलियमसन थे, दोनों ने यहाँ पे पूरा मैच न्यूजीलैंड की ओर पक्ष में कर दिया जिस तरीके से वो खेल रहे थे। और आज भी के मैच भी उन्होंने शानदार तरीके से न्यूजीलैंड को जिताया यहाँ पे। 2004 के बाद कोई भी ऐसा ICC टूर्नामेंट नहीं रहा जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को नहीं हराया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, सब में यहाँ पे ICC के टूर्नामेंट में इंडिया नहीं हरा पाई न्यूजीलैंड को। और एक और बार ये इतिहास दोहरा गया, पिछले मैच जब हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था तो यही इतिहास पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन वो इतिहास टूटा और पाकिस्तान ने उस मैच को 1 विकेट से मतलब 10 विकेट से मैच को जीत लिया था। वही इतिहास आज इंडिया के पास था कि उस इतिहास को आज नहीं दोहराया जाना चाहिए था, लेकिन एक और बार दोहराया गया और केन विलियम्स ने मैच जिताऊ पारी खेली, नॉट आउट रहे। 31 गेंदों में 33 रन बनाए, 3 चौके में शामिल थे, 106 का उनका स्ट्राइक रेट था। डिवन कॉनवे ने यहाँ पे 2 रन बनाए 4 गेंदों में, वो भी नॉट आउट थे। आज इंडिया की साइड से एक्स्ट्रा 7 गए हैं यहाँ पे और 14 ओवर की 3 गेंदों खेलते हुए पूरा 111 रन का जो टारगेट दिया था 2 विकेट खोकर वो चीज कर लिया यहाँ पे। अगर गेंदबाजी की बात करें इंडिया की तो वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर कराए, 23 रन दिए, कोई विकेट उनके खाते में नहीं है। जसप्रीत बुमराह बहुत किफायती गेंदबाजी आज देखने को मिली, पहले के दोनों ओपनर यहाँ पे उन्होंने चलते करे, 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल करे, कसी भी गेंदबाजी देखने को मिली जसप्रीत बुमराह की साइड से। वही बात करें रविंद्र जडेजा की तो 2 ओवर में 23 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं करा, बहुत महंगी आज कह सकते हैं कि पारी तो अच्छी खेली थी उन्होंने, लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि गेंदबाजी के 2 ओवर में 23 रन दिए मोहम्मद शमी ने, 1 ओवर में 11 रन दिया शार्दुल ठाकुर ने, तो 1 ओवर में 3 ओवर में 17 रन बिठाए हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे, 2 ओवर में 17 रन दिए। इस तरीके से पूरा मैच यहाँ पे चला, पूरा मैच यहाँ पे